अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे जो टॉपिक है वो हेयर बोटॉक्स के ऊपर है और हम लोग हेयर बोटॉक्स करने लगे हैं अपने इन क्लाइंट के बालों पे। सबसे पहले हमने इनकी रूट टच किया है, पहले इनका हम डाई कर चुके थे। ये हमारी बहुत प्यारी सी टीवी एंकर हैं। इन ये रोज़ स्ट्रेट और रोज़ इनके बाल जो है लाजमी थे स्टाइलिंग होते हैं। यहाँ पर हम इनको दे रहे हैं हेयर बोटॉक्स। सबसे पहले हम क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करेंगे, स्टेप वन है नट्स का। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये ओमेगा फेल्ट्स की ओमेगा जीरो, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये बालों को बहुत ज़बरदस्त कर देती है, फर्म कर देती है, प्रोटीन इसके अंदर बालों में जाता है और साथ साथ ये आपके बालों को स्लीक एंड स्मूथ भी करती है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले शैम्पू से अच्छी तरह बालों को वॉश करना है 2 टाइम्स, जिस तरीके से आप केराटीन में करते हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है 45 मिनट्स के बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के का तरीका मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। प्रोडक्ट को आपने इस तरीके से लगाना है और 45 मिनट्स मस्ट आपने वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छे से इसको हमने इस तरह वॉश करना है कि आधा प्रोडक्ट बालों में रहे और आधा प्रोडक्ट बालों से निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे नॉर्मल हीट के ऊपर और हम इसको स्ट्रेट करेंगे 185 या 180 के टेम्परेचर से। और ये देखें, यहाँ पर मैं आपको इसलिए इतनी स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट है और मुझे आपको बताना है डिटेल से। यहाँ पर हम देखें नीम गर्म पानी के साथ इसको हाफ रिंस कर देंगे और हाफ प्रोडक्ट हम इसके बालों में रहने देंगे अपने क्लाइंट के। और उसके बाद आपने ड्रायर से ड्राई करना है, ठीक है। आधी प्रोडक्ट आपकी नहीं निकलनी चाहिए और आपने इसको स्ट्रेट करना है 180 के टेम्परेचर से। आपके बाल इंतहाई स्मूथ, इतना ही शाइनी और बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे और आपका जो क्लाइंट है वो अगले 24 घंटे तक बस बाल वॉश ना करें। और इसका होम केयर लाजमी दीजिएगा आप अपने क्लाइंट को, क्योंकि होम केयर के बगैर बोटॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से आपने देखें बालों को मसाज देना है। मसाज देने के बाद आपने, यानी कि प्रोडक्ट हाफ हमने इसमें छोड़नी है, इसलिए हम इसमें ये देखें यहाँ पर मैंने इसको प्रोडक्ट को आधा निकाल लिया है इस तरीके से। और इसको आपने ये देखें, आपने ये नहीं करना कि प्रोडक्ट इसके अंदर से पूरा रिंस कर दिए, इस तरह नहीं करना। और ये हमारा, आप ये अपना बता रही हैं कि इनको कैसा लगा, किस तरह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और मज़ेदार और नई वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज आप देख सकते हैं कि मैंने ये ट्रीटमेंट बॉक्स यहाँ से लिया, जिससे पर्सनली मुझे अपने बाल बहुत इस वक्त बहुत ड्राई थे, बहुत फ्रीजी थे, जो कि बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के साथ भी हेयर फॉल का इशू है, आपके स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, हेयर बहुत ड्राई हैं, डैमेज है, कुछ भी है, तो G10 मरकज में बाबरी मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे ऐसा सैलून है, वहाँ पे आएँ और अच्छी अच्छी से सर्विसेज लें और अपने बालों को बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू।